focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. बीजेपी शासित निगम के अंदर दिल्ली का सबसे अब तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाला भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हो रहा था। और अभी जो जानकारियां आई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। आम आदमी पार्टी ने एक बार नहीं, कई बार बीजेपी शासित निगम द्वारा एक दशक से भी अधिक समय से बनाए जा रहे रानी झांसी फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। हमने पूर्व मेयर साहिबा से सवाल पूछे कि 77 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कैसे बढ़ के 1000 करोड़ रुपए तक की ऊंचाई छू लेता है, कैसे डेडलाइन पे डेडलाइन लगातार मिस होती रहती हैं, लेकिन किसी से सवाल नहीं पूछे जाते, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ये चिट्ठी बता रही है कि रानी झांसी फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन में 2-4-10 नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से उनकी छत्र छाया में किया गया। इस चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि किस प्रकार से सरकारी जमीनों का ही अधिग्रहण करने के नाम पर वे सारी जमीनें जो पहले से ही सरकारी एजेंसियों के अधीन हैं, उन्हें ही एक्वायर करने के नाम पर लगभग 110 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया गया निजी लोगों को। यह चिट्ठी बताती है कि किस प्रकार से साइबर पास विलेज के पास उस जमीन के 95 एकड़ के टुकड़े को अलॉट कर दिया जाता है जो पहले से ही दिल्ली सरकार के जमीनों के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी एजेंसी के पास है। और यह जमीन का टुकड़ा जिस जगह पे है, अनुमानित कीमत इस जमीन की लगभग 15,000 करोड़ रुपए। 15,000 करोड़ रुपए, आप सोच के देखिए कितने जीरो लगते हैं 15 के पीछे। तो ये हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त किए गए एलजी साहब के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के निगम के अधिकारियों के पास थी, कमिश्नर साहब के पास थी, भारतीय जनता पार्टी के आयुक्त के पास थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद बिल्डरों को फायदा पहुंचे, निजी लोगों को फायदा पहुंचे, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। वजह क्या है? कल हमने सवाल खड़े किए थे, 2019 का चुनाव आ रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस घटने के बावजूद भाजपा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 250-450% पेट्रोल और डीजल पे क्रमशः क्यों बढ़ा रही है, निजी लोगों को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है, और आज भी हजारों करोड़ रुपए की जमीनें निजी लोगों को, बिल्डर माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों द्वारा भाजपा के आशीर्वाद से क्यों दिया जा रहा है? तो भाई साहब, कहीं ना कहीं भाजपा 19 के चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने की तैयारी में लग गई, ऐसा क्यों ना माना जाए?
ऐसा क्यों ना माना जाए कि हजारों करोड़ रुपए के दिल्ली की राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े भूमि घोटाले को प्रश्रय देने वाली, इस घोटाले को अपने आशीर्वाद में, अपनी छत्र छाया में अंजाम देने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने लिए फंड इकट्ठा कर रही है, ऐसा क्यों ना माना जाए। तो आम आदमी पार्टी के कुछ सवाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस भूमि घोटाले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ अतिशी जी हैं, जो अपनी बात आपके साथ। 15,000 करोड़ रुपए है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा अब तक का जमीन का घोटाला है। ये जो जमीन खैबर पास पे है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक नॉर्थ एमसीडी की जमीन है, परंतु ये जमीन एलएनडीओ ने डीएमआरसी को कैसे ट्रांसफर कर दी बिना नॉर्थ एमसीडी की परमिशन के, ये हम जानना चाहते हैं। जो एडिशनल कमिश्नर है एमसीडी की, वो अपनी चिट्ठी में लिख रही हैं कि मैं बार बार ये इशू फ्लैग करती रही कि ये जमीन एलएनडीओ की नहीं है, ये जमीन नॉर्थ एमसीडी की है। फिर भी नॉर्थ एमसीडी ने कुछ नहीं किया और उन पर दबाव बनाया कि अपनी ऑब्जेक्शन वापस ले लीजिए। ये याद रखिए, ये वही एमसीडी है जो कहती है कि हमारे पास अपने टीचरों को देने के लिए पैसे नहीं है। ये वही एमसीडी है जो कहती है कि हमारे पास सफाई कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी के पैसे नहीं है। लेकिन उनकी ओनरशिप की 95 एकड़ जमीन, जो 15,000 करोड़ की जिसकी लागत है, एलएनडीओ उसे दे देती है डीएमआरसी को, और डीएमआरसी दे देती है प्राइवेट बिल्डर्स को डेवलप करने के लिए। तो ये 15,000 करोड़ जो एमसीडी के पास आने चाहिए थे, हमारा सवाल ये है कि ये 15,000 करोड़ किसकी जेब में गए हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि दिल्ली में एलजी साहब, लैंड एलजी साहब के अंडर आता है, एमसीडी एलजी साहब के अंडर आता है, तो क्या एलजी साहब को ये पता नहीं था? क्या चीफ सेक्रेटरी को ये पता नहीं था? क्या भाजपा के एमसीडी नेताओं को ये पता नहीं था कि ये 15,000 करोड़ की जो जमीन है उसका घोटाला हो रहा है और उसे प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, जबकि वो सरकारी जमीन है? तो क्या ये एलजी साहब के संज्ञान में था? हमारा तीसरा सवाल ये है कि एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी और भाजपा के नेता हमें आज ये बताएं कि वो जमीन किसकी है। क्या वो जमीन एमसीडी की है? क्या वो जमीन एलएनडीओ की है? उस जमीन को प्राइवेट बिल्डर्स को देने में क्या प्राइवेट बिल्डर्स ने कीमत चुकाई है और उसका पैसा कहां गया है? हमारा तीसरा सवाल ये है कि क्या ये जो जमीन का ट्रांसफर हुआ है, क्या ये एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान के बिना हो सकता था, जबकि दोनों ही एमसीडी और एलएनडीओ के डिसीजन मेकर्स हैं। चाहे जमीन अगर नॉर्थ एमसीडी की थी या चाहे जमीन अगर एलएनडीओ की थी, दोनों पर अगर निर्णय होना था तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी आता और वो एलजी साहब के पास भी जाता। तो वो कृपया ये बताएं कब उन्होंने इस डिसीजन को ऑथराइज किया है। हमारा चौथा सवाल ये है कि जिस अफसर ने इस सब का विरोध किया, जिस अफसर ने बार बार ये लिखा ऑन फाइल कि ये गलत हो रहा है, उस अफसर को, एक आईआरएस अफसर को एमसीडी से रिपैट्रिएट करके अपने होम गार्डन में भेजा गया। आप सबको ये भी पता है कि दिल्ली में जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो एलजी साहब के अंडर आती है। तो एलजी साहब इस बात का जवाब दे कि इस घोटाले को सामने लाने वाली अफसर को उस डिपार्टमेंट से क्यों ट्रांसफर किया गया। ये सवाल है हमारे